हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभय अग्रवाल। अपन करेंगे एससी वर्मा का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि ये गोल पोस्ट है 10 फीट का, 10 फीट उसकी हाइट है। क्या है ये? गोल पोस्ट है। ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड है, और फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच से एक फुटबॉल को प्रोजेक्ट किया गया कितनी स्पीड से? 64 फीट पर सेकेंड से, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट है ग्राउंड का और जो गोल पोस्ट है उसके बीच की दूरी है 40 यार्ड। 40 यार्ड यानी कि 120 फीट। कैसे? क्योंकि 1 यार्ड होता है 3 फीट, तो 40 यार्ड बराबर कितना हो गया? 120 फीट। तो ये सारी कंडीशन जो है क्वेश्चन में दी हुई है। अब ऑब्वियसली हर चीज़ फीट में लिखा हुआ है, तो हम जी की वैल्यू भी फीट में यूज़ करेंगे, जो कि होती है 32.17 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है कि विल दी बॉल रीच दी गोल पोस्ट, तो अगर उसको गोल पोस्ट में रीच करना है तो कैसे, इसका पाथ कैसा होएगा? मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। उसका पाथ कुछ इस प्रकार का होएगा, अगर उसको गोल में जाना है तो, और अगर नहीं जाना है तो पाथ हो सकता है कि गोल पोस्ट से ऊपर चले जाए, या फिर ऐसे भी जा सकती है बॉल। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता, तो अपने को ये देखना है बेसिकली कि इन तीनों में से कौन सा डायरेक्शन सही है, यानी कि कौन सा पाथ सही है अकॉर्डिंग टू द गिवन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बोलती है? वाई इज इक्वल टू वॉट? एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख लेना है यार, जैसे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? 120 रखेंगे। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 120 का स्क्वायर। जी की वैल्यू किस में रखेंगे? ये गलती से भी 9.8 या फिर 10 मत रख देना, ठीक है, आंसर एकदम गलत आएगा। तो और यू की वैल्यू किस में रखेंगे? 64 फीट पर सेकेंड, ये यू हो गया, और अगेन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 45, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। इन सभी चीज़ को रख दोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 6.9 फीट में आएगा भाई। भैया हर चीज़ अगर फीट में है, एक्स फीट में है, ग्रेविटी की वैल्यू फीट पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो ऑब्वियसली जो वाई आएगा वो भी किस में आएगा? फीट में आएगा। अब समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, कि एक्स इज इक्वल टू 120 रखने पे ये रहा, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, इसको मैं 0,0। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने का मतलब ही यही था कि एक्स की वैल्यू वो 120 पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स की वैल्यू 120 यानी कि ये वाला पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी आई? 6.9, यानी कि यहाँ के आसपास आएगी कहीं पर, यानी कि हाँ ये जो फुटबॉल जो है वो गोल पोस्ट के बीचों बीच इस तरीके से जाएगी। ठीक है ना भाई, तभी तो ये एक्स कॉमा वाई यानी कि 120,6.9 को सेटिस्फाई करेगी, ये पॉइंट करीब करीब यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अपना आंसर जो है क्या हो जाएगा? यस यस इट विल रीच दी गोल पोस्ट, इसका मतलब गोल पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज ईजी। दी ओनली कॉन्सेप्ट हियर इज, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट अकेला यूज़ किया गया है? सिंपल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ठीक है, अपन अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और प्लीज़ कोई अलग से कोई डाउट आती है किसी को तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।